present in the body, but useless, functionless. So again, I'm telling, appendix are present in the human body, but we are consuming the boiled food. So there is no need of appendix to produce cellulose, to digest the cellulose. So appendix, naichai, phir bhi rehte na. That's why sometimes you may had in your school life, your friend having the problem, a disease, appendix. क्या करते हैं डॉक्टर उसको ऑपरेट करके निकाल दे, ऑपरेट करके निकालने के बाद भी वो आपका फ्रेंड जिंदा है ना, मीनिंग वो ऑर्गन रहेगा, नहीं तो ऑपरेट करके निकालेगा नो प्रॉब्लम, बिकॉज उसका काम ही नहीं है। अभी हाथ को ऑपरेट करके निकाल दो, मर जाएगा ना। तो हार्ट इज एन एसेंशियल ऑर्गन, but appendix non essential, is a functionless, useless organ. Now 17 years, what's your age now? 15 years or 14 years? At the age of 17 years, you are going to face, you are going to have a new tooth called wisdom tooth in your mouth region. काय के लिए सर? नया दांत आएगा? यस, फॉर व्हाट? टू ग्राइंड द फूड, ग्राइंड द फूड। अभी हम लोग ग्राइंडिंग करते ना सर, चावल काटते, चपाती काटते, कितना चकली काटते, सब कुछ करते, वो ग्राइंड करता है ना सर? यस मैडम, ग्राइंड करते है, एक्सेप्ट। विस्टम टूथ का भी काम क्या है? ग्राइंडिंग। अभी हम लोग ग्राइंड करते है, वो नहीं आया तो भी चलेगा, सब लोग तो ग्राइंड करता है ना। तो विस्टम टूथ आके भी फायदा नहीं, नहीं आएगा तो हम ग्राइंडिंग तो करते हैं हम लोग। नेक्स्ट डायग्राम देख, कॉकिक्स, टेल बोन, चार बोन फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ये टेल बोन बनते कॉकिक्स। ये मंकी का बॉडी में रहते है, हमारा बॉडी में रहते है, मंकी का बॉडी में रहते है तो उधर काम है काय के लिए? टू स्विंग द टेल ऑफ मंकी, the tail bone is used. Pramod, the tail nahi hai na, but tail bone we are having. The tail hi nahi hai, kya kehte tail bone? Dekha, tail hi nahi hai, tail bone kya kehte? So it is functionless. Like that, this is what the organ which are present, but no function called vestigial organs. So anatomical evidence mein, homologous, organ which are structurally similar, functionally different. Analogous, organ which are functionally similar, structurally different. Vestigial, organ which are present but functionless organ. ये पूरा देखो किसके पास रहते हैं? एक ही group of animals के पास. So they are having the similar origin. ये सब लोग एक ही से आया रहेगा, इसलिए सबके पास उधर टेल, मंकी से मैन आया रहेगा, इसलिए मंकी के पास भी टेल बोन, हम लोग के पास भी टेल बोन। तो एन ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रीवियस वन। ओके, नेक्स्ट। अभी टू एविडेंस हो गया, वन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, टू इंटरनल स्ट्रक्चर anatomical evidence. Now the third, we are going to discuss about paleontological evidence. What is paleontological evidence? First, what's the meaning of paleontology? It's a sound support, a reliable support, direct support for organism arised from the previous one. Best example, best evidence, paleontology. What's the meaning of paleontology? Paleontology matlab kya raja? Paleontology ka meaning, the study of fossils. The fossil ka meaning? Fossil ka meaning is the dead remains of plants and animals.
कितना लोग पिक्चर देखा है जुरासिक पार्क? देखा रहेगा जुरासिक वर्ल्ड, एनाकोंडा पिक्चर, द लास्ट वर्ल्ड, इतना सारा पिक्चर में देखा रहेगा। पूरा अलग अलग एनिमल दिखा रहे, आपको अच्छा से मालूम है एनिमल डायनासोर। डायनासोर आज हमारे साथ रहते क्या? कितना लोग देखा है? डेली आप चल के जाने के टाइम, स्कूल को चल के जाने के टाइम, आगे दो डायनासोर, पीछे दो डायनासोर मेरा प्रोटेक्शन के लिए आते सर। रेस वैक्स कोई बोल सकते क्या? नो सर। ठीक है जाए, कितना देखा है डायनासोर? पिक्चर में नहीं है, रियल रियल। नहीं सर, रियल में कैसा देख सकता है? वो तो अपने हमारा पास नहीं है ना। देखा कभी था डायनासोर? 7 करोड़ ईयर्स के पहले कभी हम लोग बन गया 5 करोड़ ईयर्स का पहला, तो हम लोग आने के पहला ही डायनासोर मर गया। हम लोग कैसा देख सकता है? डायनासोर एक्सटिंक्ट एनिमल। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? वन ऑफ द ग्रुप दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन दैट बिकॉज ऑफ मीटियोराइट्स, अनदर सेड दे आर गिविंग द आइडिया दैट बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, प्लांट पूरा मर गया, खाने को कुछ मिला नहीं है, डायनासोर मर गया। आइडिया कभी 7 करोड़ ईयर्स के पहला ही मर गया। वो उन लोग के बारे में पढ़ाई कर लेना बेटा। व्हाट वी कॉल्ड फर्स्ट पैलियंटोलॉजी, दे आर फर्स्ट। सर इन लोग कैसा मालूम है? 7 करोड़ ईयर्स का पहला तो हम लोग नहीं था, फिर कैसा ऐसा एनिमल था करके इन लोग का मालूम है? उन लोग का बोन का निशानी, वो बोन का निशानी से दे आर going to create a model structure. Nariman Point में जाओ, मुंबई में Whales Museum रहता है, वो म्यूजियम में जाके देखो, वेल का बोन पूरा दिखा, अरेंज करके रखा है वेल वैसा ही, तो उसका हिसाब से वेल इतना बड़ा रहेगा कि मालूम पड़े ऐसा ही पास है। समझा? आप लोग देखा रहे लास्ट ईयर, लास्ट प्रीवियस ईयर योर स्टडी एट स्टैंडर्ड में कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड आप लोग देखा रहेगा। अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम व्हेन वी आर गोइंग टू बर्न द डेड बॉडी, लास्ट क्या मिलते बेटा? एक ब्लैक कलर का पाउडर, बोन। ये ब्लैक कलर पाउडर क्या है? ऐश। व्हाट इट इज मेड अप ऑफ? कार्बन। प्लांट ले लो, लकड़ी बना, लकड़ी को बर्न करो, क्या कलर बनता है? कोल। देखा, यू आर गोइंग टू बर्न द प्लांट, यू आर गोइंग टू बर्न द एनिमल, लास्ट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? ए ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉल्ड कोल। ऐसा ही है inside the soil, temperature, tremendous heat, high pressure, इसलिए देखा रहेगा some of the place में volcanoes, lava comes out from the soil, deep soil, the deep soil का अंदर lava, या liquid, soup, hot glowing soup, कैसा बनता है? देखा मतलब अंदर जाते रहेगा तो इसका अंदर साइल का अंदर जाते रहेगा तो हीट ज्यादा होते ही जाएगा। इसलिए देखो अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी कस्टम ये डेड बॉडी दे आर गोइंग टू बरीड अंडर द सॉइल, आफ्टर 1.5 इयर्स दे आर गोइंग टू डिक आउट द ग्राउंड
they are going to collect the board. 1.5 years में ये इतना पूरा body bone बन गया. 15 years के बाद क्या रहेगा? 150 years के बाद क्या रहेगा? Decode करेगा तो 1500 years के बाद decode करके देखेगा तो हम लोग नहीं रहेगा ना. Imagine 1500 years के बाद decode करके देखेगा, 15,000 years के बाद decode करके देखेगा तो 150,000 years के बाद decode करके देखेगा तो आप ज्योग्राफी में पढ़ा रहेगा every decade 10 years a layer of soil is formed. So 150,000 years के पहले एक आदमी मर गया तो उसके बॉडी हम लोग क्या है डिकोड डकोड करके अंदर रखा. अभी every 10 years में एक लेयर बन रहा है सॉइल. तो 150,000 years के पहले डिकोड करके अंदर रखने के बाद बंद किया तो अभी कितना लेयर बन गया रहेगा. 150,000 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 कितना होएगा. 15,000 लेयर्स बन गया ना. 15,000 लेयर्स बन गया सॉइल. तो अभी हम लोग इधर था 10 लेयर बन गया तब इधर आए. 15,000 लेयर के बाद मतलब वो कितना डीप गया रहेगा. इन द डीप एरिया मैंने क्या बोला था ट्रेमेंडस हीट हाई प्रेशर ड्यू टू द ट्रेमेंडस हीट एंड हाई प्रेशर दिस बरीड प्लांट्स द बरीड एनिमल्स कन्वर्टेड इनटू फॉसिल. इसलिए हम लोग पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड 11% ऑफ कोल डीपेस्ट लेयर में रहेगा. सॉरी ज्यादा अपर मोस्ट लेयर में रहेगा शैलो लेयर. What we call 11% of carbon, we called as peat. और थोड़ा डिकोड करो अंदर अंदर जाके 10-15 लेयर के बाद डिकोड करो. But we are going to get it 22% of carbon. What we called lignite. 15 लेयर का अंदर peat. 150 लेयर का अंदर lignite. 1500 layer ka andar jao dig out karo. What you are going to get it bituminous 60% of carbon. So how dig out karega marawa dead body plant andar rahega na. Yes but bola ka roop mein nahi rahega body nahi milega. Coal 80% of carbon anthracite. आउट इकआउट करेगा तो 100% कोल मिल जाएगा. और अंदर जाएगा तो पेट्रोल. और अंदर जाएगा तो गैस लाइक मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन. तो कितना डीप लेयर में गैस मिलते हैं. डीपेस्ट लेयर गैस डीपर लेयर लिक्विड पेट्रोलियम. डीप लेयर में कोल. इसलिए कोल 1 किलो कोल यूज करके बर्न करके कितना हीट प्रोड्यूस करके देखो. 1 किलो पेट्रोल हीट करके कितना हीट प्रोड्यूस कर रहे देखो. 1 किलो गैस मीथेन बर्न करके कितना हीट मिल रहे देखो. कोल में 10 कैलोरी मिल रहे मतलब पेट्रोल में 100 कैलोरी मिले गैस में 1000 कैलोरी मिले. क्यों सर ऑल आर कार्बन ना बट डीपेस्ट कितना साल अंदर रहेगा उतना हीट फ्रॉम द सॉइल दे अब्सॉर्ब. कितना ज्यादा साल अंदर रहेगा उतना हीट को स्टोर करेगा ना. ये हीट का वजह से द एनिमल बॉडी प्लांट बॉडी क्या बन जाता है फॉसिल. जुरासिक पार्क पिक्चर में स्टार्टिंग में क्या दिक्कत है. व्हाट्स द इंफॉर्मेशन दे आर गोइंग टू पास टू अस. वंस अपॉन ए टाइम
when the dinosaur was present, in those days, a dinosaur was bitten by a mosquito. मच्छर ये डायनासोर को काटता था कितना हजार हजार साल के पहले. कभी डायनासोर मर गया मच्छर भी मर गया रहेगा. सब लोग सॉइल का अंदर गया. द डीप लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल कड़क होके क्या बन जाएगा मालूम है? पत्थर बन जाएगा, रॉक. ये रॉक का बीच में आपके एक मच्छर बैठ गया, मतलब सेडिमेंट हो गया, सेटल हो गया. When we are going to decode, research going का, decode कर रहे, एकदम डीप पे decode करने के टाइम, एक पत्थर को तोड़ने के अंदर से एक छोटा सा मच्छर मिला, dry, मरा हुआ, उसका अंदर से dry blood मिला, लेकिन blood किसका था? लास्ट क्या हुआ था? ये मच्छर डायनासोर को काटा, डायनासोर का ब्लड, वो ब्लड से सेल निकाल के उधर से डायनासोर प्रोड्यूस करके दिखाता है जुरासिक पार्क पिक्चर में, क्लोनिंग. समझ रहे? इवन हिस्ट्री में तुम पढ़ा रहेगा, द बरीड सिटी, मोहनजोदड़ो, हरप्पा. We are digging out the ground. In those days, what are the ornaments? What are the vessel they were used? From that, we are coming to the conclusion. What is their civilization? Ullo ka nagarik kaisa hai? That is called paleontology. Even Lord Krishna, number the program TV mein aate hai. लॉर्ड कृष्णा के बारे में प्रोग्राम आता है, एपिसोड. उसमें एक एपिसोड में हेवी रेन, जो हेवी रेन पब्लिक पूरा अफेक्ट हो गया, ज्यादा पब्लिक का तकलीफ. पिक्चर और सीरियल देखा तो मालूम पड़ेगा. तभी लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान गोवर्धन करके एक माउंटेन को उंगली में उठाता है, आज अम्ब्रेला वैसा, सब लोग उसका अंदर आके खड़ा रहता. बारिश बाहर, माउंटेन का बाहर, ये लोग का माउंटेन का साइड. तो लॉर्ड गिविंग द प्रोटेक्शन टू द पब्लिक. तभी पिक्चर में बोलते हैं लॉर्ड, व्हाट यू कॉल सीरियल में, लॉर्ड कृष्णा given the message to them, just leave the place. I am going to prepare a new city called Dwaraka. Dwaraka. In Dwaraka is a place at present, it is present inside the sea level. Samundar usko swallow kar diya. Abhi city kidhar hai Dwaraka? Samundar ka andar. Now research going on, some of the instruments, some of the ornaments, some of the vessels, they are collected from that. From that, they are coming to the conclusion, ye jamana mein Bhagwan Krishna tha. Even Christianity mein dekha rahega, Lord Jesus, when he expired, उनका क्लोथ में उनका ब्लड, अभी वो क्लोथ है बोल, वो ब्लड से दे आर फाइंडिंग आउट कौन सा जमाने का जीसस था. फाइंड आउट करता है. व्हाट वी कॉल पैलियंटोलॉजी फॉसिल. कैसा सर? प्लीज सी द डायग्राम. ऐसा डीपेस्ट लेयर में, वन मिनट, deepest layer देखो, कौन था
Starfish, snail. Starfish and snail, what's the matter? Last time we padha tha na. Non carnata. Usko upar dekho. Fish. Usko upar dekho. Frog. Usko upar dekho. Dinosaur snake. Usko upar dekho. Bird and rabbit. So here, the deepest layer. Kanta non carnate. Okay. उसका ऊपर फिश फ्रॉग देन स्नेक बर्ड एंड रैबिट वही मैंने बोला था ना थोड़ी देर के पहला नॉन कार्डेटा से कार्डेटा कार्डेटा में फिश फिश स्पाइसेस से आम्फीबिया आम्फीबिया से रेप्टाइल्स रेप्टाइल से वन साइड बर्ड वन साइड मैमल्स देखो एकदम डीप उसका ऊपर काले में कौन आ गया फिश इसके बाद ही कौन आया फ्रॉग क्रोकोडाइल उसके बाद ही कौन आया स्नेक डायनोसर उसके बाद ही कौन आया बर्ड्स रैबिट रैबिट इज द मैमल तो मैमल अभी अभी आया सबसे ऊपर देखो एकदम पहला आया स्टारफिश एकदम लेटेस्ट आया मैमल्स मैमल्स में लेटेस्ट हम लोग कभी 5 करोड़ ईयर्स बैक मैमल्स आया था 50 करोड़ ईयर्स बैक 20 करोड़ ईयर्स बैक हम लोग 5 करोड़ साल ठीक है तो दिस इज व्हाट फॉसिल तो ये फॉसिल किसका वजह से हम लोग मालूम पड़ रहे हैं कितना डीप में कौन सा टाइप ऑफ कार्बन गैस बन जाए तो एकदम डीप ज्यादा लाखों साल का पहला पेट्रोलियम मिला रहेगा मतलब 1000 साल के पहला ऐसा कोल मिला 100 साल के पहला पीट मिला 10-15 साल के पहला तो कार्बन के हिसाब से इन लोग का एज मालूम पड़ता तो सब लोग स्टारफिश रहने दो क्रोकोडाइल रहने दो फिश फ्रॉग रहने दो रैबिट बर्ड रहने दो सब लोग अंदर जाके कार्बन ही बनते हैं कोल ही बनते हैं तो कार्बन का हिसाब से उनका एज व्हाट्स द प्रोसेस नेम वी कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड कार्बन डेटिंग मेथड कार्बन का दो आइसोटोप व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आइसोटोप What's the meaning of isotope? Similar atomic number, but dissimilar atomic mass number we call isotope. Isotope ka atomic number, the carbon ka atomic number 6. Like atomic mass number, ek carbon mein 12, dusra carbon mein 14. This idea given by Willard Libby. आइसोटोप के हिसाब से एज ऑफ बरीड प्लांट्स एनिमल वी कैन फाइंड आउट कौन आइडिया दिया था विल्लार्ड लिबी द C14 C12 इज अ नॉर्मल C14 इज द रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव का मीनिंग क्या है इट द कार्बन एमिट्स सम ऑफ द इनविजिबल रेज कैसा सर कार्बन सनलाइट का रेडिएशन पूरा लिया तभी बर्ड ओके क्या बनेगा कार्बन बनेगा ना बेटा क्योंकि हीट एनर्जी अंदर गया एनर्जी पूरा किधर से सनलाइट से दिस रेडियो एक्टिविटी कौन लेगा नाइट्रोजन लेगा सनलाइट से रेडियो एक्टिविटी इनविजिबल रेस कौन लेगा नाइट्रोजन लेके कार्बन के पास देते डायग्राम देखो पहला सनलाइट के पास उधर से कौन ले रहे नाइट्रोजन नाइट्रोजन से न्यूट्रॉन नाइट्रोजन रिलीज करेगा न्यूट्रॉन नंबर ज्यादा होएगा तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो बाद में नाइट्रोजन से कौन कैप्चर कर रहे कार्बन कार्बन से नीचे का ग्रास साइड का एनिमल बड़ा प्लांट सब लोग ले रहे ये लोग पूरा
मरने के बाद बरीड अंडर द सॉइल, अभी कार्बन 14 सॉइल का अंदर जाता है। दिस कार्बन 14 का पास रेडिएशन रहता है बेटा, दे एमिट्स सम ऑफ द इनविजिबल रेज। दैट रेज का हिसाब से कितना रेज प्रोड्यूस करेगा, कितना कार्बन ज्यादा रहेगा उतना रेस आएगा ना, उतना हीट प्रोड्यूस होएगा ना। इधर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है वो एकदम डीपेस्ट लेयर के माध्यम ऐसा दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल्स बरीड अंडर द सॉइल। कौन सा जमाने का करके बता रहे, ए कार्बन डेटिंग शॉर्ट नोट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स। पढ़ के देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ना बेटा 1 मिनट। वापस बोल रहे हैं, कार्बन हैविंग टू आइसोटोप, वन C12, अनदर वन इज C14। मतलब कार्बन नॉर्मल वन, नॉन रेडियो एक्टिव वन, रेडियो एक्टिव वन। C14 इज द रेडियो एक्टिव। किधर से? नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन लेके रेडियो एक्टिव बन गया वो, क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर बढ़ते जाएगा तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा तो आइसोटोप होता। ये कार्बन डेटिंग मेथड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना डीप में रहेगा, ज्यादा कार्बन रहेगा, ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसका एज कितना एनर्जी बाहर आ रहा है उसके हिसाब से कितना कार्बन रहेगा, कितना कार्बन रहेगा उसके हिसाब से एनर्जी, उसके हिसाब से उसका डेट, उसका एज फाइंड आउट करते हैं। तो कितना एविडेंस कंप्लीट हो गया, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड एनाटॉमिकल एविडेंस, उसमें होमोलॉगस एनालॉगस एंड वेस्टिजियल। नाउ पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस, उसमें कार्बन डेटिंग, और एक मेथड व्हाट यू कॉल एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जाने के पहला कनेक्टिंग लिंक, सर नॉन कार्डेटा से कार्डेटा आता है, पहला फिशेस आए, फिशेस से आम्फीबिया, आम्फीबिया से रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से एप्स वन साइड, मैमल्स वन साइड। सर कैसा? सर फ्रॉग कैसा क्रोकोडाइल बन जाएगा, फ्रॉग कैसा स्नेक बन जाएगा, फिश कैसा फ्रॉग बन जाएगा, फ्रॉग कैसा डायनासोर बन जाएगा, स्नेक कैसा रैबिट बन जाएगा। करेक्ट क्वेश्चन। सबका लिंक रे, अभी आपका ग्रैंडफादर, आपका फादर, आप आपका ग्रैंडफादर का पीछे में कौन आता है? आपका फादर। तो आपका फादर इज अ लिंक बिटवीन आपका ग्रैंडफादर, आप बुल्लुक एंड बांडुक का लिंक कौन? आप फूल, ठीक है? बांडुक बुल्लुक एंड आयरोलिक का लिंक पंपिंग, बांडो पंपिंग, वो ब्रिज जाते हैं ना वो। तो व्हाट्स द कनेक्टिंग लिंक? डायरेक्टली फ्रॉग कन्वर्ट, ओके फिश कन्वर्ट, ओके फ्रॉग बनते हैं, स्नेक बनते हैं, नो बीच में एक एनिमल आया रहेगा, बाद में दे आउट डेवलप। कौन सा? सर प्लीज सी द डायग्राम, ए पेरिपैटस डक बाइल्ड प्लैटिपस लंगफिश। पेरिपैटस का डायग्राम ऑब्जर्व कर, उसका बॉडी का साइड में नंबर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर अपेंडिजेस लिखा है, लिखा है ना, ये सेम टाइप ऑफ अपेंडिजेस लास्ट के वी हैव स्टडीड फाइलम एनेलिडा, एर्थवर्म, लीच, Is, they are having a hair-like structure called parapodia. Same parapodia, peripatus ke paas. The earthworm ka skin
covered by cuticle. See, the outer covering of peripatus we call cuticle. Analytical character. Cuticle is present. Parapodia is present. Arthropoda padata. Cockroach. Example. Last year. There, cockroach respired by trachea. Like in peripatus, ke baad trachea rehte. They respired by trachea. अनिलडा रहेगा तो दे शुड रेस्पायर बाय स्किन बट दे रेस्पायर बाय ट्रकिया. व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द लेग ऑन द कॉकरोच, कॉकरोच इमीडिएटली क्रश होके पूरा व्हाइट ब्लड बाहर आता है. ये पेरिपेटस के ऊपर भी जस्ट अप्लाई द फोर्स, ये भी पूरा व्हाइट ब्लड पूरा बाहर आता है. तो ये पेरिपेटस के बाद क्यूटिकल, पैरापोडिया, ये दोनों अनिलडा का कैरेक्टर. ट्रकिया ओपन सर्कुलेशन व्हाइट ब्लड, ये दोनों आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर. फिर ये किधर रखेगा, अनिलडा में रखेगा आर्थ्रोपोडा में रखेगा, ना दोनों का कैरेक्टर तो पीछे में रखने का ना. ठीक है, आप ही बोल दिया ना पीछे में रखने का. किसका पीछे में, अनिलडा आर्थ्रोपोडा का पीछे में. We call connecting link. Link मतलब Annelida directly arthropoda नहीं बन गया, Annelida peripatus बन के peripatus Annelida बन. Like that duck-billed platypus ये पानी में रहते हैं. The body is covered by hairs. They are giving birth to young. Sorry, they are giving egg. अंडा देती है, बॉडी पूरा हेयर रहता है, पानी में रहती है, लेकिन अंडा हैच होने के बाद बच्चा को दूध पिलाती है. मिल्क गिविंग प्रॉपर्टी मैमल के पास किसी एनिमल को नहीं है, सिर्फ मैमल्स. मतलब डक बाइल्ड प्लैटिपस मैमल है. द बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर्स, मैमल का कैरेक्टर मैमल है. But living in the water, mammal पानी में रहता है, except male walrus seal के अलावा. ये reptilia का character, leg देखो, एकदम छोटा सा. They are crawling animals. We are straight, we are walking, they are crawling. Crawling character reptiles का. ये बच्चा देता नहीं है, अंडा देती है. तो मैमल रहेगा तो बच्चा देना चाहिए ना, ये अंडा देती है रेप्टाइल का. तो बॉडी कवर्ड बाय हेयर्स मैमलियन कैरेक्टर, गिविंग मिल्क टू द यंग वन मैमलियन कैरेक्टर, लिविंग इन द वाटर क्रॉलिंग एनिमल्स रेप्टाइलियन कैरेक्टर, लेइंग एग रेप्टाइलियन कैरेक्टर. तो इधर रेप्टाइलियन का भी कैरेक्टर है, मैमलियन का भी कैरेक्टर है. किधर रखेगा, पीछे में. तो रेप्टाइल duck-billed platypus बन के duck-billed platypus mammals बन गया रे. Next, lungfish. बेटा fish can respired by gills. But ये fish soil का अंदर रहते, पानी में नहीं. Respired by lungs. Fish है, body देखो boat shape, cylindrical, but respired by lungs. Lung respiration, reptile का character, cylindrical body, fish का character. तो ये fish का भी, reptile का भी character है. तो it is kept in between, both what you call reptiles and pisces. इसे link, pisces is not directly converted into reptile. ये lungfish बन के convert हो गया. Understand? Next. Another evidence, embryological evidence. Don't play on the screen, my dear. भाई तो आरो मार करके रखा है स्क्रीन में. So next evidence,
ये मैं अभी सिखाया ना उसका इंफॉर्मेशन दैट्स ऑल अभी सिखाया वो पेरिपार्टस डक बाइल्ड प्लैटिपस लंग फिश का इंफॉर्मेशन नोट से ओके समझ लेना बेटा नेक्स्ट embryology kelvin what is embryology is a study of development of an organism from embryo embryo ek organism banne ka process unke bare mein ek padhai what you call embryology so what is embryology is a study of embryo development of organism from embryo so what is the embryo embryo ka meaning miniature of the child to mummy ka pet ka andar starting period mein zygote baad mein embryo ban ke tha maybe tha koi bhi cow calf produce karne ke pehle cow ka body ka andar bhi embryo tha so embryo matlab ये बड़ा रूप का एक छोटा सा रूप व्हाट आई टोल्ड मिनिएचर ऑफ द चाइल्ड मिनिएचर ऑफ द काउ मिनिएचर ऑफ द एलिफेंट कोई भी एनिमल कोई भी प्लांट सबका स्टार्टिंग एम्ब्रियो प्लांट में भी स्टार्टिंग एम्ब्रियो सीड का अंदर कॉटिलीडन प्लेम्यूल रेडिकल टुगेदर व्हाट वी कॉल एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये एम्ब्रियो से कैसा सर Yes, embryo मतलब इतना महीने का बाल में maximum maximum बच्चा मम्मी का पेट का अंदर start होके 15 पीस दे और नहीं तो maximum maximum में 2 to 3 months 5 centimeter का रहेगा बस कितना रहेगा 5 centimeter का रहेगा 3 महीने में तभी किसी किसी का बच्चा अंदर ही मर जाता है पेट का अंदर ही ऐसा एक औरत का बॉडी से एक एम्ब्रियो निकालो एक फिश का बॉडी से एक फ्रॉग का बॉडी से एक रेप्टाइल्स का बॉडी से एक बर्ड का बॉडी से एक ह्यूमन बीइंग एम्ब्रियो एम्ब्रियो का मीनिंग क्या है मिनिएचर ऑफ द चाइल्ड तो मम्मी का पेट का अंदर रहने के टाइम डायग्राम द मिनिएचर ऑफ द चाइल्ड ये कितना सारा एनिमल्स दिया देखो फिश फ्रॉग नहीं तो सैलामेंडर टर्टल चिक कैट रैबिट ह्यूमन बीइंग इतना सारा एनिमल नीचे लास्ट फर्स्ट रो नहीं ये लास्ट रो देखो ये सबका एम्ब्रियो Starting 3 row of diagram I have given. See the first row. Imagine a first row. सबको अलग अलग करो. Fish का embryo, frog का embryo, chick का embryo, pig का embryo, rat का embryo. What are the embryos? सारे अलग अलग करो. मैं अलग अलग किया. I saw 2, 4, 6, 8 bottle में 8 animal का embryo रखा मैंने. फर्स्ट रो आप इसके पहला एम्ब्रियो देखा ही नहीं है पहली बार एम्ब्रियो देख कर मैं सबको उल्टा उल्टा रखा है नाम लिखा नहीं उसमें आपका अंदर जाके जाओ जाके कैट का एम्ब्रियो लेके आओ तो अंदर जाओ आधा घंटा हो गया बाहर आएगा नहीं क्यों सबका एम्ब्रियो सेम ही दिखते सर हाउ कैन आइडेंटिफाई दिस इज द एम्ब्रियो ऑफ फ्रॉग इस एम्ब्रियो ऑफ फिश इस एम्ब्रियो ऑफ मैन मालूम नहीं पड़ते सर तो क्या बोलना चाहते मैंने सबका एम्ब्रियो ह्यूमन बीइंग कैट टॉर्टाइस फिश एंड फ्रॉग और चिक सबका सबका एम्ब्रियो सिमिलर दिखते मतलब क्या है ये सब लोग एक ही सा आया रहेगा ना सबका एंसेस्टर सिमिलर ही रहेगा ना This is what you call embryological event.
तो कितना एविडेंस कंप्लीट किया, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस में होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, देन पैलियंटोलॉजिकल एविडेंस, उसमें कार्बन डेटिंग मेथड, बाद में कनेक्टिंग लिंक, बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, इतना सारा एविडेंस कैलकुलेट टू प्रूव दैट ऑर्गेनिजम्स आर कमिंग फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग वन, प्री एंसेस्टर। मंकी नहीं तो हम लोग नहीं था बेटा, लास्ट में बार हाथ दिखाया बच्चा होता ही नहीं, मम्मी डैडी का बच्चा और है, दैट इज डिफरेंट। मम्मी डैडी को जैसे बच्चा और, मतलब मम्मी डैडी भगवान है ना, का एक ब्रह्मा विष्णु महेश जीसस अल्लाह करके बोलते रहता है, करेक्ट। मम्मी डैडी भगवान होता है ना, आपको प्रोड्यूस किया कौन, आपका मम्मी डैडी, लेकिन मम्मी डैडी का कौन प्रोड्यूस किया, ग्रैंडफादर उन लोग का कौन प्रोड्यूस किया, ऐसा ऐसा पीछे 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 जाते रहेगा तो सबका ओरिजिन एकी से स्टार्ट होता है बेटा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ विद एविडेंस। समझ रहे आज कितना ही, कितना सारा क्वेश्चन पब्लिक हो गया, अंडरस्टूड? ओके, नाउ इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज ask